हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी जोन पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन कोस्ट गार्ड रिक्रूटमेंट 2021 के बारे में। यहां पर दोस्तों इंडियन कोस्ट गार्ड की बम्पर वैकेंसी की नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। जो आपकी बैच है वो यहां पर जो है 1/2022 की बैच निकाली गई है, जिसके अंदर आपको पूरी इन्फॉर्मेशन हमारे चैनल स्टडी जोन के माध्यम से पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। साथ ही यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, कितने स्टेज के अंदर यहाँ पर आपको जो है एग्ज़ाम क्वालिफाइड करना है, साथ ही यहाँ पर आपकी सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, यहाँ पर जो आपकी मेरिट है वो किस आधार पर बनाई जाएगी, इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन आपको स्टेप बाय स्टेप हम आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों कहना चाहते हैं, अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल स्टडी जोन को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आपको लेके चलते हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर। जैसा कि दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं कि हम इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर आ चुके हैं। यहां पर आप हेडिंग देख सकते हैं कि ज्वाइन इंडियन कोस्ट गार्ड की रिक्रूटमेंट निकाली गई है, जिसके अंदर यहां पर तीन पोस्ट निकाली गई है। यहां पर जो पहला पोस्ट है यहां पर जो है नाविक, यहां पर जो है जीडी के लिए है, नाविक यहाँ पर जो है डीवी के लिए है, और साथ ही जो तीसरा पोस्ट है यहाँ पर यांत्रिक के लिए निकाला गया है। और ये जो बैच इनवाइटेड की गई है यहाँ पर देख सकते हैं कि 1/2022 के लिए यहाँ पर ये नोटिफिकेशन आउट किया गया है। जो इसकी ऑनलाइन प्रक्रिया है वो आपको 2 जुलाई से लेके यहाँ पर 16 जुलाई तक चलेगी। 5 बजे तक आपकी यह नोटिफिकेशन चलने वाली है। अब इसकी एलिजिबिलिटी कैटेगरी के बात कर लेते हैं। साथ ही दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये जो एप्लीकेशन इनवाइटेड किया गया है ऑल ओवर इंडिया के लिए किया गया है, और साथ ही यहाँ पर सिर्फ मेल ही कैंडिडेट इसके अंदर अप्लाई कर पाएंगी, ना कोई फीमेल कैंडिडेट इसके अंदर अप्लाई कर पाएंगी। अब साथ ही यहाँ पर दोस्तों बात कर लेते हैं इसकी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन के लिए। यहाँ पर जो आपसे पहला पोस्ट निकाला गया है जो नाविक के लिए, यहाँ पर जो जीडी के लिए, उसमें जो आपकी क्वालिफ़िकेशन मांगी गई है 10th पास मांगी गई है, 10th+2 मांगी गई है, और साथ ही जो 10th+2 है यानी कि जो आपकी 12th पास आउट होनी चाहिए वो मैथ और यहाँ पर फिजिक्स होने चाहिए, तभी आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं, वरना आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर कंपलसरी है कि आपको मैथ और फिजिक्स 12th के अंदर पास आउट होना चाहिए। जो सेकंड पोस्ट है यहाँ पर आपकी नाविक की जो निकाली गई है डोमेस्टिक ब्रांच के लिए, इसके अंदर 10th पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इस पर आपकी किसी तरह का कोई प्रेफरेंस नहीं मांगा गया है कि इस सब्जेक्ट के अंदर ही आप इसके अंदर पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जनरली आपने 10th पास किया है तो यहाँ पर आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। जो यहाँ पर थर्ड पोस्ट है यहाँ पर यांत्रिक के लिए, यहाँ पर आपकी 10th क्वालिफ़िकेशन मांगी गई है, और साथ ही यहाँ पर आपसे यहाँ पर जो आपकी ट्रेड मांगी गई है वो यहाँ पर जो है डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक, और यहाँ पर जो डिप्लोमा इन मैकेनिकल, और डिप्लोमा इन यहाँ पर जो है जो इलेक्ट्रॉनिक, और यहाँ पर डिप्लोमा इन टेलीकॉम, साथ ही रेडियो यहाँ पर पावर इसके अंदर मांगी गई है। और वही कैंडिडेट इसके अंदर जो अप्लाई करेंगे जिनकी जो ट्रेड है वो यहाँ पर 3 से लेकर 4 साल तक है। अगर आपकी 2 साल की ट्रेड है तो आप इसके अंदर अप्लाई नहीं कर सकते हैं, मिनिमम आपकी 3 या 4 साल की ट्रेड होनी चाहिए तभी आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। 2 साल के कैंडिडेट भी इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं जो 10th+2 हैं, जिन्होंने 10th किया भी हुआ है, 12th किया है, और उनके बाद उन्होंने यहाँ पर इन पर ट्रेड किया है, तो वो 2 साल से लेकर 3 साल के कैंडिडेट इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों अगर आपने 12th किया हुआ है, 12th करने के बाद आपने इस ट्रेड के अंदर इस डिप्लोमा का कोर्स किया हुआ है तो तब आप इसके अंदर जो है अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों अगर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर यह चीज़ आपको बताया गया है कि अगर जो आपकी डिप्लोमा है यहाँ पर इस कैटेगरी वाइज में है तब आप भी इसके अंदर जो है अप्लाई कर सकते हैं, या मैकेनिकल के भी देख सकते हैं कि इस ट्रेड के अंदर आपकी क्वालिफ़िकेशन है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक टेलीकॉम यहाँ पर रेडियो पावर के अंदर आपने इस डिप्लोमा किया हुआ है तो आप इसके अंदर ईजिली अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर सबसे बड़ी जो यहाँ पर जो रहती है कैंडिडेट का सबसे ज़्यादा कमेंट आता है कि हमारी एज, यहाँ पर एज मांगी गई है मिनिमम जो आपकी है 18 से लेकर 22 साल तक, और वही कैंडिडेट इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं जिनकी यहाँ पर देख सकते हैं कि जो नाविक की जीडी की पोस्ट निकाली गई है और यहाँ पर यांत्रिक की, वही कैंडिडेट अप्लाई करेंगे जो यहाँ पर 1 फरवरी 2002 से लेकर यहाँ पर 31 जनवरी जो 2004 तक का जिनका जन्म है वही कैंडिडेट इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं इन दोनों पोस्ट के लिए। साथ ही यहाँ पर जो नेविक की पोस्ट है जो यहाँ पर डीवी के हैं उसके अंदर 1 अप्रैल 2000 के लेकर यहाँ पर
2031 मार्च से लेकर 2004 तक की कैंडिडेट ही इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं, उससे अदर वाले आप कैंडिडेट इसके अंदर अप्लाई नहीं कर सकते हैं। साथ ही जो आपकी एज की जो छूट मिल रही है गवर्नमेंट रूल के हिसाब से, यहाँ पर जो अपर एज यानी कि एससी एसटी को 5 साल की और ओबीसी नॉन क्रिमिनल को यहाँ पर जो है 3 साल की छूट मिल रही है। साथ ही यहाँ पर देख सकते हैं कि किस कैटेगरी वाइज कितनी पोस्ट है। यहाँ पर जो नाविक जीडी की पोस्ट है वो यहाँ पर जनरल के लिए 108 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 26 है, ओबीसी के लिए 67 है, एसटी के लिए 19 है और एससी के लिए 40 है। टोटल मिलाकर जो आपकी पोस्ट हो रही है 260 हो रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नाविक डोमेस्टिक ब्रांच के लिए यहाँ पर 23 है, 5 है, 17 है, 2 है, 3 है और इसकी पोस्ट जो है 50 है। साथ ही यहाँ पर जो है यहाँ पर यांत्रिक मैकेनिकल की आप देख सकते हैं कितनी पोस्ट है और साथ ही यांत्रिक इलेक्ट्रॉनिक्सन की देख सकते हैं और साथ ही यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक की देख सकते हैं। इसके रिकॉर्डिंग आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन इस पोस्ट वाइज दिख रही है कि किस कैटेगरी के अंदर कितने पोस्ट हैं। अब दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं आपकी सिलेक्शन प्रोसेस की। सिलेक्शन प्रोसेस दोस्तों आपके 4 स्टेज में होगी, पहला स्टेज, दूसरा स्टेज, तीसरा स्टेज और चौथा स्टेज। इसके बारे में एक्सप्लेनेशन आपके पूरे स्टेप बाय स्टेप बताए जाएंगे आगे के स्टेप में। यहाँ पर देख सकते हैं कि जो आपका पहला स्टेज है जिसके अंदर आपकी जिस पोस्ट के लिए यानी कि अगर आपने यहाँ पर नाविक डीवी के लिए आपने अप्लाई किया है तो जिसमें आपकी रिटन टेस्ट 1 होंगे, जिसमें कि आपकी पासिंग नंबर यूआर ईडब्ल्यूएस ओबीसी को यहाँ पर 30 नंबर चाहिए और एससी एसटी को यहाँ पर 27 नंबर चाहिए। यानी कि दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो प्रीफ्रेंस बताया जा रहा है यानी कि जो सिलेक्शन प्रोसेस है इसका जो नाविक जीडी के लिए, तो यहाँ पर जो आपसे डिटेल है, जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है, जो मैक्सिमम यहाँ पर 60 पूछ जाएंगे जिसके अंदर आपको 45 मिनट जाएगी, यहाँ पर टोटल क्वेश्चन जो यहाँ पर रहेंगे 60 रहेंगे। साथ ही दोस्तों अगर 60 क्वेश्चन में यहाँ पर आपकी जो मैथ है वो 20 नंबर की रहेगी, जो साइंस के क्वेश्चन है वो यहाँ पर 10th के रहेंगे और यहाँ पर इंग्लिश की जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर 15 नंबर के रहेंगे, रीजनिंग रहेगी आपकी 10 नंबर की और यहाँ पर जो जीके है आपके 5 नंबर की रहेगी। यहाँ पर आपको पासिंग करने के लिए यू आर कैंडिडेट ई डब्ल्यू एस ओ बी सी को यहाँ पर 30 मार्क चाहिए और साथ ही एस टी अगर एस सी एस टी कैंडिडेट तो यहाँ पर 27 चाहिए और जो आपकी पूरी सिलेबस बेस्ट रहेगी वो 10th के अंदर ही बेस्ट रहेगी, यानी कि 5, 6, 7, 8, 9, 10 उससे आगे नहीं जाएगी। यानी कि दोस्तों आप सेकंड पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं यहाँ की नाविक यहाँ पर जो है जीडी के लिए, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि इसके अंदर 2 सिलेक्शन प्रोसेस होगी आपकी, जिसके अंदर पहला स्टेज और दूसरा स्टेज। यानी कि दोस्तों पहला स्टेज में तो यही आपकी जो रीजनिंग पूछी जाएगी पूरी इन्फॉर्मेशन और सेकंड स्टेज जो है आपसे जिसमें कि मिनिमम आपकी जो नंबर रहेगी क्वेश्चन की वो 50 रहेगी, जिसमें कि आपको 30 मिनट का समय दिया जाएगा और साथ ही जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो यहाँ पर 50 रहने वाले हैं। यहाँ पर आपकी जो सवाल है वो यहाँ पर मैथ में 25 आएंगे और साथ ही यहाँ पर जो फिजिक्स है उसमें 25 आएंगे, जिसमें कि यू आर ई डब्ल्यू एस और ओ बी सी कैंडिडेट को 20 नंबर्स के यहाँ पर पास होना पड़ेगा और एस सी एस टी को यहाँ पर 17 नंबर पर पास होना पड़ेगा। यहाँ पर उन्हें जो है 17 नंबर पर जो है उनकी पासिंग रहेगी और साथ ही जो आपकी सिलेबस रहेगी यानी कि जो आपके क्वेश्चन आएंगे वो यहाँ पर 12th बेसिस पर आएंगे, यानी कि 12th के अंदर यहाँ पर 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12th के अंदर यहाँ पर जो आपके मैथ पूछे जाएंगे और साथ ही यहाँ पर फिजिक्स के क्वेश्चन किए जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस पोस्ट के लिए यहाँ पर कितने साल है, यहाँ पर रिटन टेस्ट होंगे, यहाँ पर उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर जो है तैयारी कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों यहाँ पर उसके अकॉर्डिंग बताया गया है कि किसके अंदर कितने मार्क्स है, कितनी टाइमिंग दी जाएगी, नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या रहेंगे, यहाँ पर पासिंग नंबर क्या रहेंगे और यहाँ पर जो आपकी सिलेबस है वो यहाँ पर क्या रहने वाली है। तो यहाँ पर दोस्तों आप सभी को पता है कि 4 स्टेज के अंदर आपके पेपर होंगे और जो भी आपके क्वेश्चन रहेंगे वो सारे ऑब्जेक्टिव टाइप के रहेंगे, जिसमें कि आपको यहाँ पर जो है टिक मार्क करना रहेगा। पर यहाँ पर दोस्तों आप सभी के लिए एक बड़ी इसमें अच्छी चीज़ है कि इसमें आपकी कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी, यानी कि अगर आप सारे क्वेश्चन भी अटैम्प्ट करते हैं तो यहाँ पर आपको इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं दी जाएगी। सेकंड स्टेज के अंदर यहाँ पर आपसे कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एग्ज़ाम होगी और जिसके कारण जो आप सभी के लिए प्रेफरेंस कर एक मेरिट तैयार की जाएगी और उसी के अंदर यहाँ पर जो है आपकी स्टेज को पूरा किया जाएगा। साथ ही यहाँ पर जो आपकी फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगी जिसमें कि आपसे 1.60 किलोमीटर 7 मिनट के अंदर यहाँ पर आपको दौड़ना होगा और यहाँ पर जो आपसे 20 है जो उठक बैठक लगाई जाएगी और यहाँ पर 10 जो है आपसे पुशअप कराए जाएंगे। यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस देख सकते हैं कि कैसे कैंडिडेट पास और फेल होंगे, इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। साथ ही यहाँ पर थर्ड स्टेज के बारे में दिया हुआ है
कि थर्ड स्टेज में आपकी जो है मेरिट बनाई जाएगी, प्रीपेड की जाएगी, जो आपके एडमिट कार्ड थर्ड स्टेज के अंदर आएगी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, और साथ ही यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आप पे जो है, यहाँ पर देख सकते हैं कि जो वेरिफिकेशन होगी, यहाँ पर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होगी, पुलिस वेरिफिकेशन होगी कि आप पर किसी तरह का कोई भी कानूनी कार्रवाई हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि जो अप्लाई की प्रोसेस है वो 2 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगी और यहाँ पर 16 जुलाई तक चलेगी। 5 बजे तक इसके अंदर आपको अप्लाई करना है। साथ ही यहाँ पर दोस्तों डॉक्यूमेंट अपलोड करने की भी प्रोसेस बताया गया है कि कैसे आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। वो सब फॉर्म फिलअप होते ही आपको पूरी इन्फॉर्मेशन स्टेप बाय स्टेप प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो यहाँ पर दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपकी जो वीडियो है वो पसंद आया होगा, क्योंकि जो भी आपकी इंपॉर्टेंट अपडेट थी मैंने आपको बता दिया। अब दोस्तों यहाँ से जो प्रक्रिया है वो फॉर्म फिलअप की स्टार्ट होती है। जब फॉर्म फिलअप स्टार्ट होगा तब मैं आपको इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन स्टेप बाय स्टेप बता दूंगा। और साथ ही यहाँ पर दोस्तों फ़ी के बारे में ही बता दूं, यहाँ पर अगर आप SC ST कैंडिडेट है तो यहाँ पर आपसे 1 रुपये फ़ी नहीं लिया जाएगा। यहाँ पर पेमेंट उन्हीं कैंडिडेटों करना है जो यहाँ पर जो है UR है, और यहाँ पर OBC है, और यहाँ पर EWS कैंडिडेट है, वही कैंडिडेट जो है इसके अंदर जो है 250 रुपये की फ़ी पेमेंट करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हमारे पास अगर कोई भी अपडेट आएगा इससे रिगार्डिंग तो और हम आप तक बेहतर जानकारी देंगे। और साथ ही यहाँ पर एग्ज़ाम सिटी है जो आपको 5 प्रीफ्रेंस मिलेगी, जो आपकी चुननी होगी लगभग 30 किलोमीटर के अंदर यहाँ पर आप जो है चुन सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपकी जो एग्ज़ाम डेट के बारे में जो बताया गया है, यहाँ पर अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि यहाँ पर आपकी जो एग्ज़ाम है वो यहाँ पर सितंबर में निर्धारित हो सकती है। ये मे भी यहाँ पर पूरे तरह से डिक्लेयर नहीं है, क्योंकि मे भी कहा जा रहा है, इसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर पूरी इन्फॉर्मेशन चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों ये थी जो मैंने आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दे दिया। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया, तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अगर फिर भी आपको किसी तरह का कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। हमारे चैनल स्टडी जोन की तरफ से आपकी पूरी सहायता की जाएगी। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।